Hello students, in this video we will try to find electric field due to an infinitely long charged wire with the help of Gauss theorem. ठीक है, Gauss theorem हमें apply करने पे easy लगेगी. ठीक है, तो ये infinitely long charged wire है. ठीक है, और इसकी जो linear charge density है it is lambda coulomb per meter. Because it is infinitely long तो हम इसके ऊपर total charge कितना we cannot calculate. तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं कि एक मीटर के ऊपर इस वायर के एक मीटर के ऊपर लैम्डा कूलम चार्ज है. ठीक है, सो नाउ वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आर दिया है, रेडियस दिया है आपको, दिस इज डिस्टेंस आर. ठीक है, तो वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर एट ए पॉइंट, सपोज इट इज पी. ठीक है, सो वी have to create a Gaussian surface to calculate electric field at this point. तो Gaussian surface में हम cylindrical surface choose करते हैं. ठीक है, तो cylindrical surface क्यों choose करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो curved surface area है आपका, curved surface that is S1. S1 is curved surface. ये आपको दिख रहा होगा S1. This is curved surface. ठीक है, तो यहाँ पे आप E का magnitude, क्योंकि ये R distance के ऊपर है, तो E का magnitude same रहेगा. एरिया वेक्टर जो लेंगे ds1 इज द एरिया वेक्टर. ठीक है, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, थ्रू आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो ये एक सिमेट्रिकल पोजीशन है कि एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल 0 है थ्रू आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, ऊपर की सरफेस की बात करें, ठीक है, फ्लैट सरफेस है सिलेंडर की ऊपर की. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरिया एलिमेंट लोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 का एंगल बनेगा. हेयर थीटा इज 90 डिग्री. आप बॉटम की सरफेस लेंगे S3, तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन राइट डायरेक्शन एंड और एरिया एलिमेंट हमेशा क्लोज सरफेस पे आउटवर्ड होता है, तो यहाँ भी आपका एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस और ये सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर. तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स वी आर कैलकुलेटिंग. तो फ्लक्स विल बी ई डॉट डी एस. ठीक है, इसका क्लोज इंटीग्रल है ये ई डॉट डी एस. अब इस सरफेस के हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, S1, S2 एंड S3. तो ये इंटीग्रेशन ले लेंगे हम ई डॉट ds1, then integration e dot ds2, then integration e dot ds3. ठीक है, तो तीनों से हम फ्लक्स निकाल लेते हैं और उनको टोटल करेंगे, तो फ्लक्स थ्रू दिस इमेजिनरी गॉशियन सरफेस हमें मिल जाएगा. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग फ्लक्स थ्रू अ इमेजिनरी गॉशियन सरफेस. ठीक है, अब E dot ds1 can be written as E ds1. ठीक है, s1 आप सरफेस देख रहे हैं जो कर्व सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ये दिस इज 0 डिग्री. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और जो आपका एरिया एलिमेंट होगा ये भी रेडियली आउटवर्ड होगा, तो एंगल बीच में 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 0. cos 0 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो आई विल राइट हियर cos 0 इज 1 और जो cos 90 होता है ये 0 हो जाता है आपका. सेकेंड कैलकुलेट करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन ही लगाया मैंने यहाँ पे, इंटीग्रेशन ई डी एस टू कॉस 90, क्योंकि एस टू क्या है आपकी अपर फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे एरिया एलिमेंट और ई के बीच में 90 का एंगल है. ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ लगा लें आप. ठीक है, दिस सरफेस आई एम टॉकिंग अबाउट बॉटम फ्लैट सरफेस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ई डी एस थ्री कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, तो cos 90 ये आपका 0 हो गया और एक cos 90 भी 0 हो गया, तो ये वाला सेकंड थर्ड इंटीग्रल हमारा 0 हो जाएगा. तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन किससे आ रहा है? ओनली थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, ये आपका आ गया phi. सो टोटल फ्लक्स किसके थ्रू आएगा? ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द इमेजिनरी गॉशियन सरफेस विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट. ठीक है, एक चीज और हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस गॉशियन सरफेस के अंदर जो लेंथ आ रही है वायर की वो एल आ रही है. ठीक है, एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, तो क्यू कितना होगा? ठीक है, क्यू होगा जो इस एल लेंथ के अंदर क्यू होगा
इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये आपको हमें याद रखना है, Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L। नाउ द फ्लक्स इज E ds1 cos 0 is, यहां से आएंगे cos 0 is, so it will be integration E ds1। ठीक है, E आपका at a distance r radially outward होगा और constant होगा तो E will come out। ठीक है, constant बाहर आ जाता है तो integration of ds1। तो s1 surface कौन सी है आपकी, s1 surface curved surface area है, तो curved surface area का ds1 का जब हम integration करेंगे तो हमें curved surface area of cylinder मिल जाएगा। तो curved surface होता है 2 pi rh, h की जगह हम यहाँ पे l ले रहे हैं, तो it will be 2 pi rl। So flux through the closed imaginary Gaussian surface is only through curved surface area of the imaginary Gaussian surface। ठीक है, और वो कितना आ रहा है हमारे पास, it is E into 2 pi rl। ठीक है, upper surface, upper flat surface और bottom flat surface दोनों contribute नहीं कर रही हैं flux के लिए। I hope it is clear to you। अब यहाँ पे हमें पता है, ठीक है, कि flux is given by charged enclosed upon epsilon naught। This is Gauss law, by Gauss theorem। ठीक है, now phi is E into 2 pi rl। ये हमने calculate किया phi की value यहाँ पे, तो it is E into 2 pi rl। ठीक है, Q की value हमने यहाँ पे calculate किया, it is lambda into l। तो यहाँ पे लिख लो, this is linear charge density और ये length जो वायर की Gaussian surface के अंदर है, upon epsilon naught। okay, now L and L will cancel out, ठीक है, so E will be equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, ठीक है, this is the formula, and हमारी जो calculation है by applying Gauss theorem बहुत easy हो जाती है, तो from this formula we can see that E is inversely proportional to r, तो r अगर आपका increase होगा, जैसे-जैसे आप wire से दूर जाएंगे, तो electric field आपकी down जाएगी, और जितना वायर के पास आएंगे आर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेते हैं, तो ग्राफ में यहां बना देता हूं। ठीक है, दिस इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होगा इसका, जैसे जैसे आर से हम दूर जाएंगे, दूर जा रहे वायर से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डाउन होती जा रही है। तो दिस इज द ग्राफ दैट यू हैव टू रिमेंबर, कि अगर आपसे ग्राफ पूछ लें कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, इन केस ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो दिस इज हाउ वी सिंपलीफाई आवर कैलकुलेशन टू कैलकुलेट E एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड how to apply Gauss law and how to calculate electric field due to an infinitely long charged wire. Thanks for watching the video. Bye.